नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 31 अगस्त तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की गई है। वहीं 31 अगस्त तक हर ग्राम पंचायत पर लगेंगे ग्राम रक्षक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश दे दिए हैं। धार्मिक स्थल खोलने के लिए अभी से शुरू करें तैयारी। हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी की जाए। प्रभारी सचिव को 31 अगस्त से जिलों के दौरे पर भी जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद धार्मिक स्थल को खोल दिया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, कम से कम राहत की खबर, 1 महीने बाद ही सही अपने आराध्य के दर्शन के लिए जनता उनके दरबार तक, उनके दर तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर कुछ ही देर पहले बड़ी मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें अहम फैसला किया गया है कि 1 सितंबर से प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल है वो खोल दिए जाएंगे। हालांकि इसमें अभी 1 महीने का समय बाकी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि एक समय के दौरान, 1 महीने का जो समय है, इस दौरान तमाम जो धार्मिक स्थल से जुड़े लोग हैं वो, और इसके अलावा प्रशासन है, वो पूरी तैयारी कर लें और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो है वो पूरा काम संभालना है, उन तमाम बातों पर चर्चा करके, बात करके तैयारी करें, रिहर्सल करें, ताकि इस समय का सदुपयोग उस काम के लिए हो सके कि जब धार्मिक स्थल 1 सितंबर से खोले जाएंगे तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये बड़ा फैसला है। और इसके अलावा भी जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई दिशा निर्देश आज फिर जो दिए हैं, और खासकर जो प्रभारी सचिव है जिलों के, उनको कहा है कि वो 31 अगस्त से जो है वो दौरे शुरू करें जी। सभी जो जिले हैं, जो उनके प्रभाव जिले जो जो आते हैं जिन्हें उनको बनाया गया है, वहां पे उनको जाने के लिए उनको कहा गया है कि वो दौरे हैं वो शुरू करें, ताकि लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उनका निवारण हो सके। और अगर हम इस बैठक के और जो फैसलों की बात करें विजेंद्र, तो एक महत्वपूर्ण बात है वह भी सामने आई है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर 31 अगस्त तक ग्राम रक्षक है उनकी नियुक्ति की जाएगी। और जो ग्राम रक्षक, ये समझना चाहेंगे ग्राम रक्षक उनका काम क्या होगा। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो ग्राम रक्षक है इनका चयन जो है वो ग्राम पंचायत करेगी, और इनका काम है पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करना, जिससे कि पुलिस के प्रति लोगों में आम जो है वो विश्वास बढ़े, और साथ में पुलिस को ये मदद भी करेंगे और जो आपराधिक गतिविधियों है उनका प्रभाव निगरानी रखने मदद भी करेंगे। तो ग्राम रक्षक जो है कड़ी रहेगी जनता के बीच में और पुलिस के बीच में, जिससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को देनी है या पुलिस की बात जनता तक पहुंचानी है, एक तो उसका काम करेंगे, एक सेतु के रूप में काम करेंगे। क्योंकि पहले लगातार जो इस तरह की बातें आई थी कि जनता और पुलिस के बीच जो समन्वय है वो स्थापित होना चाहिए, सामंजस्य बना रहना चाहिए, ऐसे में इन जो ग्राम रक्षक है इनकी नियुक्ति भी ग्राम पंचायत करेगी, और ग्राम पंचायत इस काम को 31 अगस्त तक है वो कंप्लीट कर लेगी, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। और जहां तक हम जैसे कहा कि 31 अगस्त तक जो प्रभारी जो सचिव है वो जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें जी बिल्कुल नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। खोले के हनुमान मंदिर से बीएम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएम शर्मा जी, 1 महीने और भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी खुशी इस बात की आपको होगी कि चलिए 1 महीने बाद ही सही मंदिर में भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। सर जी, वैसे तो हम तो चाह रहे थे कि सरकार खोल देगी, पर परिस्थितियां देखते हुए जिस तरह कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जी, और जिस तरह से अन्य जिलों में लॉकडाउन की स्थिति वापस आ गई है, जो हम चाहते हैं कि चलो सरकार ने जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है, परंतु मंदिर जो जिन मंदिरों के पास व्यवस्था पूरी है, जिन मंदिरों के पास स्पेस पूरा है, हम चाहते हैं कि वो मंदिर खुले और उनकी व्यवस्था वहां के ट्रस्ट और जो संचालक मंडल है वो उसको करे जी। तो हम तो चाह रहे थे कि हमने पहले भी 1 तारीख को पूरी तैयारी की हुई थी खोले हनुमान जी मंदिर में, कि हर आदमी को हम सैनिटाइज करा के पूरा कोरोना का ध्यान रख करके हम उनको दर्शन कराएंगे जी। अभी भी हमारी को पूरी तैयारी है, पर अब जैसा सरकार का आदेश है हम सिरोधार्य है। तो सर इसमें तो कोई मतलब दोहराय नहीं है कि खोले के हनुमान मंदिर में एक लंबा परिसर है, वहां पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराए जा सकते हैं। तो क्या आप ये सरकार से मांग करेंगे कि आपको जल्दी मंदिर खोलने के लिए बोल दिया जाए, या फिर ठीक है
अगर एक सितंबर से ही कहा गया तो एक सितंबर से सही। नहीं, हमने तो पहले पिछली एक तारीख को भी ये सोच रही था कि हम पूरे तैयारी से हैं और हमारे मंदिर खोल दिए जाएं। खुले हनुमान जी मंदिर में पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई खतरा नहीं हम उन्हें देंगे। परंतु अब जो सरकार ने एक सितंबर कहा था, हम आशा करते हैं कि एक तारीख को तो मंदिर खोल ही दें, क्योंकि सारे जो जितने बड़े कार्यक्रम है जन्माष्टमी वगैरह सब निवृत्त हो जाएंगे, वो अपने गणेश चतुर्थी भी खत्म हो जाएगी, उसका भी समापन हो जाएगा इस महीने में। अगस्त महीने में दो महत्वपूर्ण हमारे त्योहार हैं, पहला जन्माष्टमी और अपना गणेश चतुर्थी जी। तो अब इसके बाद में तो अब मंदिर खोलने ही चाहिए, क्योंकि भक्तों की बड़ी आशा है कि वो मंदिर खुले और अपने अपने इससे देव के दर्शन करें और अपनी जितनी मनोकामना है उसकी पूर्ण कामना करें। चलिए बीएम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खोले के हनुमान मंदिर से हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि वो तो 1 अगस्त से भी तैयार हैं मंदिर में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन 1 सितंबर से भी अगर सरकार ने कहा तो उसके लिए वो तैयार हैं। नरेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। नरेश, कुछ मंदिरों को पहले खोलने के आदेश दिए जा सकते थे, लेकिन क्या 1 सितंबर को ये सोचकर तय किया गया है कि जब तक कोरोना भी कंट्रोल हो जाएगा, सरकार भी स्थिर हो जाएगी और स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रण करने में काम किया जा सकता है? आपको ध्यान होगा कि जब कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग की थी, तो उसके बाद जो ग्रामीण इलाकों के जो धार्मिक स्थल है जहां भीड़ कम होती है, उनको खोलने की इजाजत पहले ही दे दी थी। लेकिन अगर पिछले 20 दिन की हम बात करें, तो जिस तरह से राजस्थान में अचानक करीब 20,000 जो पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं, तो ये बड़ी चिंता का अंक था। हालांकि पहले संभावना ये थी कि 1 अगस्त से धार्मिक स्थल है वो खोले जाएंगे, लेकिन जो पिछले 20 दिन का अगर रिव्यू करें तो उसमें देखा है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। ऐसे में न सरकार ये रिस्क लेना चाहती है और न ही जो मंदिर प्रशासन या धार्मिक स्थलों के जो प्रशासक है वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं ये मामले और बढ़ जाए। ऐसे में सभी से विचार विमर्श करने के बाद ही ये तय किया गया कि फिलहाल जो धार्मिक स्थान है उनको फिलहाल बंद रखा जाए और जो धर्म गुरु है उनकी सहमति से जो है ये फैसला किया गया है। अधिकांश ने सहमति जताई है, हालांकि कुछ की मांग थी कि धार्मिक स्थल खोले जाएं, वो पूरी व्यवस्था उन्होंने कर ली है। लेकिन क्योंकि देखिए विजेंद्र, फैसला पूरे प्रदेश के लिए होना है, एक जगह के लिए अलग फैसला नहीं हो सकता या दो जगह के लिए अलग फैसला नहीं हो सकता। और बड़ी चिंता का कारण यही था कि जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं, इसका अंतिम समय और बढ़ाया गया है, लेकिन साथ में ये तय भी हो गया है कि अब 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। और इस एक महीने का जो उपयोग है वो इस बात के लिए होगा कि एक रिहर्सल हो जाए, तैयारियां है वो पूरी हो जाए, क्या क्या समस्या हो सकती है धार्मिक स्थल खोलने पर, भक्तों को क्या क्या समस्या हो सकती है, प्रशासन को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब की रिहर्सल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश भी दे दिए हैं इस बारे में कि सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ धार्मिक स्थल खोले जाने के लिए तैयारियां कल से ही शुरू कर दी जाए। तो बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वही एक